टू माई चैनल आई एम सबर सहानी तो ऑल द क्लास टेन स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ने वाले अपना चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो देखो गाइज ये हमारी फर्स्ट लाइट बुक का सेकेंड चैप्टर है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड क्लास टेन में जैसे हम आते हैं हम ये चैप्टर देखते हैं हमें थोड़ा सा ना लेंदी लगता है ये चैप्टर बट गाइज ये चैप्टर ना काफी इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर से हम लोग जो है जानेंगे नेल्सिन मंडेला की लाइफ के बारे में एंड साउथ अफ्रीका के बारे में भी काफ़ी कुछ हम जानेंगे ठीक है तो चैप्टर जैसे कि आपने जब एनसीआर चेक करी होगी तो आपको काफी लेंदी लगा होगा देर इज नो नीड टू वरी मैं आपको ना जो आ रही हूं इस चैप्टर में एक एक बात सुन लीजिए जो नेल्सन मंडेना ने अपनी स्पीच में कहा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएंगे सब कुछ मैं आपको बहुत ईजिली समझा दूंगी तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर से प्लस जो है जो मैं कह रही हूं उसे ध्यान से सुनते रहना पिंड कमेंट में मैंने नोट्स इस चैप्टर के जो बिल्कुल एक शॉर्ट नोट्स हैं जिनसे आपका रिवीजन हो जाए वो पेश कर दिए हैं जिससे जब मेरी बातें सुन ली और नोट से पढ़ लिया तो ये चैप्टर आपके दिमाग में बच गया फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके बाद आपको यह चैप्टर सबसे अच्छे से आ जाएगा ठीक है तो क्या है चैप्टर का नाम चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ठीक है चैप्टर के राइटर कौन है जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक है कौन है इसके राइटर तो देखो चैप्टर के राइटर कौन है नेल्सन मंडेला जी ही है देखो नाम किवन है यहाँ पे नेल्सन रोहिला मंडेला यानी कि गाइज ये जो चैप्टर है ना बेसिकली ये नेल्सन मंडेला की एक बुक है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें से ना कुछ थोड़े शॉर्ट पीसेस लिए गए हैं और उससे ये चैप्टर बनाए नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी ऑटोबायोग्राफी आपको पता ना ऑटो मतलब खुद बायोग्राफी मतलब लाइफ के ऊपर उन्होंने अपनी कहानी लिखी थी ठीक है जो कुछ भी उनकी लाइफ में हुआ उस उसमें उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो उसी वाली बुक में से ये कुछ एक्सर्प लिए गए हैं यानी कि शॉर्ट शॉर्ट स्टैंड लिए गए हैं जिनको अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूं तो इस ओवीएस चैप्टर के राइटर कौन होंगे नेल्सन मंडेला जी होंगे क्योंकि उन्हीं की बुक से तो लिया है हमने ये चैप्टर के शॉर्ट शॉर्ट एक्सर्ट ठीक है तो चैप्टर के राइटर कौन है नेल्सन मंडेला जी तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर ना अभी हम पढ़ेंगे जब नेशनल जो हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं जब वो साउथ अफ्रीका के प्रेजिडेंट बन जाते हैं जब वो स्पीच देते हैं वो सब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए साउथ अफ्रीका के बारे में एंड जो है इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में में तो बेसिकली राइस देखो जो अफ्रीका है वहां पे काफी समय तक अपार्थाइड की पॉलिसी चली थी आप लोगों ने शायद नाइन्थ क्लास में पढ़ाई भी करी है इसके बारे में सिविक्स में अपार एक ऐसी पॉलिसी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जिसपे जो है कलर के बेसिस पे साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था जो डार्क स्किन पीपल होते थे उनके साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से जो है उनका आ, डिस्क्रिमिनेशन करा जाता उनको ब्रूटली ट्रीट करा जाता था ठीक है तो ये जो रेस ये जो कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कहाँ पे साउथ अफ्रीका में इसे बोला है अपारथाइट एंड अपारथाइट जब एंड हो जाता है साउथ अफ्रीका में एक जो है इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे और उससे जो है नेल्सन मंडेला जी जीत जाते हैं तो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल जैसे आपको याद है हमारे भारत में ब्रिटिशर्स ने आके रूल करा था एंड वी हैड अ फ्रीडम स्ट्रगल हमारे पास इतने सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने मिलकर हमारे लिए आज़ादी की जंग लड़ी और हमें आज़ादी दिलाई वैसे ही साउथ अफ्रीका में अपारथाइट सिस्टम था वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी तो वहाँ पर भी फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च हुआ यानी कि इस अपारथाइट के सिस्टम को जो है एंड करने के लिए काफ़ी सालों तक जो है जो है स्ट्रगल चलता रहा and add the end of the apartheid system. जो है ख़त्म हो जाता है साउथ अफ्रीका में भी डेमोक्रेसी के बेसिस पे इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में जो है नेल्सन मंडेला जी जीत जाते हैं तो जब नेल्सन मंडेला जी जीत जाते हैं तो वो अपनी शपथ ग्रहण करने आते हैं समझ गए ना जैसे कि जब प्रधानमंत्री बनते हैं या प्रेसिडेंट जब बनते हैं तो वो अपनी शपथ ग्रहण करने आते हैं ना तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जब नेल्सन मंडेला जी जीत जाते हैं और जब वो अपनी शपथ ग्रहण करने आते हैं इनाग्रेशन सेरेमनी होती है तो तब वो क्या स्पीच देते हैं और वो कैसे पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन ओके सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर तो इस चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में हम साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे जो हमें नेल्सन मंडेला जी बताएंगे तो ये जो उनकी सेरेमनी होती है ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है ये किस डेट पे कंडक्ट होती है ये 10 मई 1994 को कंडक्ट होती है इस दिन पे नेल्सन मंडेला जी है जो ओथ लेंगे ठीक है ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और इससे वो बनने वाले थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ठीक है अब ये जो था यानी कि जब अफ्रीका से जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं अफ्रीका में एंड जो है नेल्सन मंडेला जी जीत जाते हैं तो जैसे आपको पता है ना इलेक्शन में बहुत सारी पार्टीज जो है पार्टिसिपेट करती है और फिर वो जीतते हैं तो कौन सी पार्टी से इलेक्ट होकर आए थे नेल्सन मंडेला जी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से एग्जाम में वन मार्कर में आ सकता है जो आपकी वन लाइन वाले क्वेश्चन है तो याद रखना नेल्सन मंडेला जी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से इलेक्ट जीते थे और जो है पार्टी कितनी सीट जीत गई थी 400 में से 252 सीट जो है पार्टी जीत गई थी और ये बिल्कुल फ्री फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन था तो जब वो लोग जीत जाते हैं तो इनग्रेशन सेरेमनी होती है और सेरेमनी सेरेमनी होती है होती है यूनियन बिल्डिंग में एम्फी थियेटर में तो जैसे हमारे यहां पे पार्लियामेंट होता है और हमारी अलग अलग पॉलिटिकल बिल्डिंग्स होती है वैसे ही साउथ अफ्रीका की ये एक बिल्डिंग है एम्फी थियेटर बोला गया है आप फोटो में यहां देख सकते हो देख रहे हो कैसी जगह है खुले ही है छत नहीं है यहाँ और पूरी ऐसी एक सर्कुलर वे में बैठने की जगह बनी हुई है यहाँ पे इस एम्फी में जो है सेकिंग सेरेमनी कंडक्ट होने वाली थी और पूरे वर्ल्ड से बहुत सारी कंट्रीज हैं वहां से लीडर्स आए थे इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए बहुत अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज जो है वहां से लोग आए थे शपथ ग्रहण समारोह में आप कह सकते हो पार्ट लेने के लिए उसमें ठीक है सब लोग आए थे देखने के लिए उस सेरेमनी को ठीक है तो अब आपका चैप्टर शुरू होता है तो 10 मई का दिन होता है अब देखो हमें तो पता ही है ना 10 मई के बाद हमें तो ईयर भी पता है कब 10 मे 1994 को बहुत ही सुहाना दिन था सुहाना दिन था नेल्सन मंडेला जी के लिए भी और हर साउथ अफ्रीकन सिटीज़न के लिए भी क्यों क्योंकि उन लोगों को अब फ्रीडम मिल चुका था उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी से अब वहाँ सभी इक्वल थे तो वो एक बहुत ही ब्यूटिफुले था सभी लोगों के लिए और नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि काफ़ी दिनों से मेरी मुलाकात हो रही थी वर्ल्ड के काफ़ी सारे लीडर्स से अब क्यों हो रही थी क्योंकि गाइस अब यहाँ अफ्रीका में जो है ये जो साउथ अफ्रीका कई बार ऐसे बोल देते हैं अफ्रीका खाली बट है साउथ अफ्रीका ही ठीक है तो साउथ अफ्रीका में अब ये रेशल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी एंड हो गई थी तो उसी के चलते अब जो है काफ़ी सारे वर्ल्ड के लीडर्स जो थे साउथ अफ्रीका विजिट कर रहे थे सेरेमनी में पार्ट लेने के लिए और सभी नेल्सन मंडेला जी से मिल रहे थे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि यह साउथ अफ्रीका की लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी उनकी सोइल पर यानी कि साउथ अफ्रीका में जो है बहुत बड़ी गैदरिंग कंडक्ट होने वाली थी और वो सेरेमनी कहाँ पे होने वाली थी हमें तो पहले से ही पता है सैन स्टो एम्फी थिएटर है यहाँ फोटो में देखो ये देखो सैन स्टो एम थिएटर जगह को बोला जाता है फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पेटोरिया कौन सी जगह में पेटोरिया में जब फोटो देख लो आप जैसे आपको समझ में अच्छा ठीक है यहाँ पे ये यह सेरेमनी कंडक्ट हुई है तो यहाँ पे ये यह सेरेमनी कंडक्ट होने वाली थी और ये जो जगह है ना एम्फी बिल्डिंग नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि काफ़ी डिकेट्स तक यानी कि बहुत सालों तक इस जगह पे ना इस बिल्डिंग पे किसकी सुप्रीमेसी थी कौन इस पर डोमिनेट कर रहा था जो वाइट पीपल थे यानी कि जो वाइट पीपल थे जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे ब्लैक पीपल को वो इसके ऊपर रूल कर रहे थे डोमिनेट कर रहे थे इसको बट अब यही जगह किसकी साइड है रेनबो गैदरिंग की रेनबो गैदरिंग मतलब कि अब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी ख़त्म हो गई थी अब वहाँ पे कोई रेस कलर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला था हर कास्ट का हर कलर का हर जेंडर का इंसान अब इक्वल था तो अब वहाँ पर किसी की भी डोमिनेंस नहीं थी इसलिए उन्होंने बोला कि अब वो जो एम्फी थिएटर की बिल्डिंग थी ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि रेनबो गैदरिंग है वहाँ पर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड हर एक अलग अलग कंट्रीज के लोग भी वहां पर आए हुए थे अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स वहां पर आए हुए थे तो इसलिए उन्होंने इसको ऐसे रेफर करा ओके okay. तो आगे बताते हैं वो, कि वो एक फाइन ऑटम डे था तो बेसिकली ऑटम आपको पता है ना कौन सा सीजन होता है तो साउथ अफ्रीका जो इस हेमिसफेयर में लाया करता है उस समय पे वहाँ पे ऑटम चल रहा होता है ठीक है तो ऑटम डे था और नेल्सन मंडेला जी अपनी बेटी के साथ वहाँ पे होते हैं उनकी बेटी का नाम क्या है जेनानी अगेन आप लोगों को वन वर्ड के लिए अपना ये आंसर याद रखना है कि नेल्सन मंडेला जी की बेटी का नाम क्या था जेनानी ठीक है तो वो बताते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ हाँ वहाँ पर मेरी बेटी का नाम जेनानी है और पोडियम पर वहाँ पर पोडियम आपको बताया ना हमारे स्कूल में भी असेंबली में पोडियम यूज़ होता है पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क थे जो कौन थे फर्स्ट वोन इन एज द सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट तो सबसे पहले वो बताते हैं किसके बारे में जो साउथ अफ्रीका के सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट बनते हैं जिनका नाम क्या था मिस्टर डे क्लर्क अब देखो आपको पता है आपकी बार एग्जाम का पैटर्न कैसा हो गया आपको वन लाइन क्वेश्चन में आने वाले हैं तो ये सब नाम आपको याद रखने होंगे तो एक कॉपी ले लो साथ, -साथ लिखते रहो ठीक है तो सबसे पहले अपनी शपथ ग्रहण कौन करते हैं हमारे मिस्टर डे क्लर्क जी ठीक है और ये सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट थे उसके बाद थाबो मेबिकी ये कौन थे ये फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट होते हैं और हमारे जो है नेल्सन मंडेला जी इज़ द प्रेसिडेंट एट नेक्स्ट कौन लेता है उनके बाद कौन शपथ ग्रहण करने का टाइम किसका आता है नेल्सन मंडेला जी का और फिर वो जो है अपनी जो है शपथ ग्रहण करते हैं और उस समय पे वो जो स्पीच देते हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं तो समझ गए आप सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेरे जो फ्रेंड है मिस्टर डीकलग जी उन्होंने शपथ ग्रहण करी जो क्या बने सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट उसके बाद मेरे फ्रेंड थाबो मेबिकी ने जो है शपथ ग्रहण करी जो कौन बने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेजिडेंट फिर किसकी चांस आती है नेल्सन मंडेला जी की और वो भी प्लेच करते हैं कि अब से जो है मैं अपनी पूरी लाइफ को जो है डिवोट कर दूंगा कि इसलिए कि अब जो मेरी रिपब्लिक है यानी कि मेरी जो कंट्री है वहाँ पर सभी वेलबींग well में रहेंगे सभी के पास फ्रीडम होगा एंड एवरी विल लिव पीसफुली ठीक है तो अब वो किस तरीके से पूरी की पूरी जो गैदरिंग है उसे एड्रेस करते हैं वो हम पढ़ते हैं और ये ना लाइन बाय लाइन पूरी स्पीच गिवन है यहाँ पे आपकी बुक में आप बुक में देखोगे भी तो थोड़ा इटालिक्स में गिवन है जैसे हमें समझ में आता है ये डायरेक्ट नेल्सन मंडेला जी की स्पीच है जो उन्होंने जो वहाँ गैदरिंग में दी थी ठीक है तो वो बताते हैं कि देखो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारी न्यू बॉर्न लिबर्टी के लिए न्यू बॉन लिबर्टी थी साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए अभी ये न्यू बॉर्न क्यों थी कईस क्योंकि अभी अभी ये जो अपार्थीट का सिस्टम था ठीक है अपार्थीट के बारे में नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तभी हम इस चैप्टर को डेप्थ में समझ पाएंगे हो सकता है काफ़ी बच्चों को पता भी हो जिन्हें बहुत अच्छे से अपार्थीट के बारे में पता है मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में तो ये बहुत ही ज़्यादा ना ब्रूटल सिस्टम था जहाँ पर जो था रेस के बीच बेसिस पे कलर के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और अब ये एंड हो चुका था तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था पूरे साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स के लिए एंड जो है इसलिए उन्होंने इसको क्या बोला कि ये न्यू बॉर्न लिबर्टी है और वो कहते कहते याद करते कहते ये ना बहुत ही अलग सी बात है क्या कि जो ये अपारथित सिस्टम की वजह से ना पूरे वर्ल्ड के लोग जो थे यानी कि पूरी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ थी उन्होंने कनेक्शन साउथ अफ्रीका से अपना ख़त्म कर दिया था क्यों क्योंकि उनको भी सही नहीं लग रही थी इस चीज़ को बट अब क्या हो गया था अब जब ये कनेक्शन जो अपारथित सिस्टम है अब ये एंड हो गया है तो अब आज के दिन पर जिस दिन सेरेमनी थी तो वर्ल्ड के सभी लीडर्स इस जो है आ, सेरेमनी में ज्वाइन होने आए थे उस बात को उन्होंने कैसे बताया ही रेफर्स टू द एक्सपीरियंस ऑफ इस नेशन एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर अब आपको एग्जाम में आ सकता है एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर क्या है अपारथाइट का सिस्टम उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी मेरे नेशन में हुआ वो क्या था एक एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर था क्या अपार और इस अपारथीट की पॉलिसी की वजह से पहले बहुत सारी कंट्रीज़ ने अलग अलग कंट्रीज़ ने जो है अपने रिलेशन जो थे साउथ अफ्रीका के साथ उनको ख़त्म कर दिया था क्यों क्योंकि अपारथित पॉलिसी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी थी और बाकी कंट्रीज भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी बट अब वो बहुत प्राउड थे कि अब अपार्थीट पॉलिसी एंड हो गई है और अब उन्हें ये प्रिविलेज मिली है यानी कि उन्हें ये मौका मिला है कि वो अपनी कंट्री में अपने लैंड पे जो है एक सेरेमनी होस्ट कर पाए और उसमें बहुत सारी कंट्री के लीडर जो है शामिल हुए और उन्होंने भी जो है उनके पीस में उनकी लिबर्टी में जो है उन्होंने आके उनको सपोर्ट करा तो इसलिए वो सभी जैसे ही जैसी उनकी जो है स्पीच शुरू होती है ना तो सभी इंटरनेशनल गेस्ट को वो थैंक यू बोलते हैं अपनी स्पीच में सबसे पहले ठीक है वो कहते हैं ये बहुत कॉमन है ठीक है ये जो विक्ट्री है सिर्फ मेरी नहीं है ये विक्ट्री हम सभी की है ये जस्टिस की विक्ट्री है ये पीस की है और ये ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री है वो बहुत खुश होते हैं देखो गाइस उस दिन पर और वो अपनी स्पीच में बोलते हैं कि एट लास्ट वी हैव अचीव दर पॉलिटिकल फ्रीडम अब आखिर में हमें हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गया है और अब हम प्लेज लेते हैं ठीक है अब हम शपथ लेते हैं कि अब हम हमारे जितने भी लोग हैं ना उनको जो है फ्री कर देंगे किससे सिर्फ ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से ही फ्री नहीं हुए हैं हम अपने लोगों को पवर्टी से डेप्रीविएशन से सफरिंग से जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी चीज़ पर डिस्क्रिमिनेशन हो उससे हम उनको जो है क्या कर देंगे बचाएंगे और जो है कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होने देंगे और लास्ट वो कहते हैं नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीन इन द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर और कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा इस धरती पर कहाँ साउथ अफ्रीका में कि एक कम्यूनिटी या एक इंसान दूसरे इंसान को अप्रेस कर रहा है डोमिनेट कर रहा है इधर बेसिस ऑफ कलर रेस और एनी थिंग एल्स ऐसा कभी नहीं होगा द सन् शेल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट और हमेशा ये जो सूरज है ये चमकता रहेगा किसका सूरज ये लिबर्टी का ये फ्रीडम का और ये जो एंड हो गया था आप आर्थिक सिस्टम ठीक है ये जो न्यूबॉर्न लिबर्टी का फ्रीडम है ये हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा लेट द फ्रीडम रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका तो ऐसे वो अपनी स्पीच देते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको स्पीच समझ में आ गई बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन स्पीच समझा दिया है कि अगर आपने राइट साइड से रीड करोगे तो एक एक वर्ड आपको आता होगा अब आगे ना देखो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों का अगर जो कुछ भी हमें जो है प्रेजिडेंट uh, ने बोला यानी कि नेल्सन मंडेला जी ने बोला उसको मैंने सेकंडली थर्डली फोर्थली में डिवाइड कर दिया जिससे आपको याद रहे वो आगे क्या क्या बताते हैं तो जब उनकी स्पीच एंड होती है तो वो कहते हैं कि हम सब ऊपर देखते हैं आसमान में और आसमान में क्या हो रहा होता है जो जेट्स होते हैं और जो एरोप्लेन्स होते हैं ना वो ऐसे एरे बना के जो हेलीकॉप्टर्स ट्यूब्स हो गए ना वो ऐसे अपना प्रदर्शन कर रहे होते हैं जैसे आपने भी देखा होगा हमारे रिपब्लिक डे की परेड में जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो अपना प्रदर्शन करते हैं ना वैसे ही तो वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है रोर कर रहे थे जो जेट्स हो गए हेलीकॉप्टर्स हो गए आसमान में जैसे ये तो मैंने बेसिकली ऐसी कोई फोटो लगाई है जिससे आप थोड़ा सा समझ पाओ ओवर द यूनियन बिल्डिंग पूरी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर मिलिट्री अपना प्रदर्शन कर रही थी बट वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक ऐसा कुछ प्रदर्शन ही खाली नहीं था मिलिट्री की तरफ से ये मिलिट्री जो है बता रही थी सभी को कि वो लॉयल है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जो अभी अभी न्यूली इलेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की वो कहते हैं ये मिलिट्री का ये जो प्रदर्शन था ये एक प्रूफ था कि वो लॉयल हैं और अभी वो साथ देंगे इस न्यूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का अब जैसे ही वो उन जेट्स को देखते हैं ना तो देखो उनके मन में कुछ कुछ बात आती रहती है क्योंकि नेल्सन मंडेला जी ने काफी लॉन्ग समय तक इस फ्रीडम स्ट्रगल में जो है वो रहे वो तीस सालों तक जेल में भी रहे थे गाइज तो उन्हें ना ये बात कहते कहते एक बात याद आती है वो कहते हैं कि अभी मैंने देखा ये जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं ठीक है हाईएस्ट जनरल जो है अफ्रीका के जिनके जो है यहाँ पे इतने सारे रिबन्स एंड मेडल्स हैं मैंने इन्हें देखा और इन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले सल्यूट करा था बट अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूँ यानी कि अभी जब मैं प्रेजिडेंट हूँ तब की नहीं अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूँ जब यहाँ पर अपारथी सिस्टम था तब वो मेरे को सैल्यूट नहीं करते इनफैक्ट वो मेरे को जो है अरेस्ट करके जेल में डाल

वैसे ही यहाँ पे एक नेक्स्ट इवेंट क्या होता है जो इम्पाला जेट्स थे ठीक है आपने जेट्स देखे हैं हमने भी रिपब्लिक डे की परेड याद करो वो तिरंगा बनाते हैं ना वैसे ही तो जो इम्पाला जेट्स थे वो क्या करते हैं वो वी शेप में एक तरीके से अलग अलग कलर जितने भी कलर्स हैं अफ्रीका के सॉरी साउथ अफ्रीका के फ्लैग के वो वाले कलर्स का फॉर्मेशन बनाते हैं तो इस तरीके से मैंने एक पिक्चर फाइंड करी है आप देख सकते हो कि पूरा के पूरे वहाँ आसमान में जितने भी इम्पाला जेट्स थे वो जो है वी शेप में फॉर्मेशन बनाते हैं अलग अलग कलर्स से ठीक है कौन कौन से कलर्स होते हैं वो फाइनली अ शेवरॉन ऑफ एम्पाला जस्ट यानी कि वी शेप फॉर्म करते हैं कौन एम्पाला जेस्ट उनकी जो स्मोक थी वो कौन कौन से कलर्स की थी ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे तो आपको ये भी वन वर्ड वन लाइन आंसर के लिए याद रखना है ठीक है तो अगर आप ये सब मेरी बातें सुन रहे हो ना कि कौन सा वन वर्ड है कौन सा वन लाइन है तो तुम्हें अलग से शायद क्वेश्चन आंसर इतने प्रैक्टिस ही ना करने पड़े यहीं आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं तो देख रहे हो आपकी कैसे ये सेरेमनी चल रही है इस चैप्टर को ऐसे समझो कि तुम वहाँ सेरेमनी में प्रेजेंट हो अभी तक क्या हो गया अभी तक जो है सबसे पहले नेल्सन मंडेला जी ने सभी को वेलकम करा कि थैंक यू आप सभी इस गैदरिंग में आए हैं उसके बाद उन्होंने हमने क्या देखा देयर डेयर अ मिलिट्री ने जो है प्रदर्शन करा उसके बाद उनको कुछ याद आया रिलेटेड टू उनके पुरानी बात की अगर जब उनको सैल्यूट करा सभी लीडर्स ने और अब क्या हुआ ये जो था पूरा का पूरा इम्पाला जेट्स ने क्या करा जो पूरा उन्होंने अपना शो करा था उसके बारे में हमने देखा अब नेक्स्ट क्या होता है वो कहते हैं कि ये जो डे है मुझे सबसे यादगार किस तरीके से लगता है द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द सिम्बलाइज फॉर मी बाय मतलब कि उन्हें बहुत यादगार याद आ जाता है एकदम से उस दिन के बारे में जब वो सोचते हैं किसके बारे में कि उस दिन उसके बाद क्या होता है टू तो नेशनल एंथम्स जो हैं वो गाए जाते हैं ठीक है दो नेशनल एंथम ठीक है एक नेशनल एंथम होता है वाइट पीपल का और दूसरा नेशनल एंथम होता है ब्लैक पीपल का दोनों के नाम आपको याद करने हैं दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं पहला विजन्स ऑफ वाइट यानी कि वाइट पीपल कौन सा नेशनल एंथम गाते हैं निकोसिस सिकल ए अफ्रीका एंड आई एम वेरी सॉरी अगर थोड़ी सी प्रोनाशिएशन मेरी चेंज हो बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड ठीक है एंड जो ब्लैक पीपल होते हैं उनका जो है नेशनल एंथम उसका नाम क्या था दाइ स्थेम ठीक है तो वो बताते हैं कि दो नेशनल एंथम गाए गए और जो दोनों ही आ, पीपल थे यानी कि ब्लैक एंड वाइट उन्हें एक दूसरे के नेशनल एंथम याद नहीं थे अभी क्यों क्योंकि ये वही एंथम्स है जिन्हें एक कुछ समय पहले तक वो पसंद नहीं करते थे बट अब सब इक्वल है अब सभी में प्यार है अब सभी में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो धीरे धीरे वो ये दोनों ही नेशनल एंथम के जो तो बोल हैं वो लर्न कर लेंगे ठीक है तो वो इस चीज़ को समझा दें कि पहले दिन पे जब ये दोनों नेशनल एंथम यानी कि नॉग्रेशन सेरेमनी पे जब ये दोनों नेशनल एंथम गाए गए तो कम्युनिटीज़ को जो है एक दूसरे के नेशनल एंथम अच्छे से याद नहीं थे बट एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत अच्छे से वो बाय हार्ट इट गो लर्न कर लेंगे ठीक है तो हम हाँ देखते हैं थर्डली उन्होंने क्या किया अब थर्डली वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए हमें बताते हैं देखो एकदम से ना वो ये सब बताते बताते हिस्ट्री में पहुंच जाते हैं यानी कि ये अपार्थीज सिस्टम के बारे में थोड़ी सी वो हमें बताते हैं कि, कि किस तरीके से अपार्थीज सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था वो बताते हैं कि ये जो सिस्टम है ही टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस सिस्टम ठीक है ये टी इधर चला गया है तो वो बताते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी ना अपार्थीट की ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था यह पॉलिसी कब से शुरू होती है यह पॉलिसी शुरू होती है फर्स्ट डिकेड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी में यानी कि आप मान लो 1900 से 1909 के बीच में ये शुरू होती है बाय द एंग्लो बोयर वॉर अब एंग्लो बोअर वॉर क्या है यानी कि साउथ अफ्रीका का वॉर था ये और तब से ये जो है पॉलिसी शुरू हो जाती है क्या होता है यहाँ पे जितने भी वाइट स्किन पीपल होते हैं आप बोलो वो जो है एक तरीके से एक साथ हो जाते हैं एंड दे मेड दिस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अगेन द डार्क स्किन पीपल और तब से अपारथी सिस्टम शुरू हो जाता है काफ़ी समय तक यहाँ साउथ अफ्रीका में अपार्थीट सिस्टम चलता है okay, तो बेसिकली ये सिस्टम एंड कब तक जाके होता है स्टार्ट तो मैंने आपको बता दिया ये जो सिस्टम था रेशियल डिस्क्रमिनेशन आप कहें अपार्थीट ये एंड होता है बाय द एंड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी यानी कि अभी हमने देखा कि इनाग्रेशन सेरेमनी कब कंडक्ट हुई है तो बाई द एंड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी ये सिस्टम जाके एंड होता है एंड साउथ अफ्रीका में जो है लिबर्टी आ जाती है और ये रेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन फाइनली एंड हो जाता है ठीक है एंड नेल्सन मंडेला जी क्या बन जाते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ओके अब आगे कंटिन्यू करते हैं अब आगे नेल्सन मंडेला जी फोर्थली फोर्थ उन्होंने क्या बात बताई तो मैंने यहाँ फोर्थली ऐसे मेंशन कर दिया है आपकी आसानी के लिए कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको ना सब ऐसा हौच ना होता है दिमाग में अभी क्या बोला अभी क्या बोला अब देवी रिवाइज़ कराऊंगी चैप्टर को तो, तो मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो अब नेक्स्ट वो बात बताते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री याद आ गई तो वो ना अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं गाइस तो जो कुछ भी उनके मन में उनको याद आ रहा है वो सब हमें बता रहे हैं इसमें तो अब वो हमें बताते हैं फोर्थली कि जो है ये अपारथीट का एक इम्पैक्ट था जिसे वो एक तरीके से गुड कह रहे हैं यानी कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी सोचो इसका क्या गुड इम्पैक्ट हो सकता है ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी इसका एक गुड इम्पैक्ट तो ज़रूर था वो क्या था कि मेरी कंट्री को साउथ अफ्रीका को कभी कभी ऐसे सिर्फ अफ्रीका लिख दिया जाता है तो गाइज ऐसा बुक में देख के कन्फ्यूज़ मत होना ना दीदी साउथ अफ्रीका चैप्टर खाली अफ्रीका क्यों लिखा है लिख देते हैं ठीक है तो जो है वो कहते हैं कि मेरी कंट्री को कौन मिले मेरी कंट्री को करेजियस लोग मिले जिन्होंने इस स्ट्रगल में हिस्सा लिया उन्होंने बहुत ज़्यादा रिप्रेशन सहा उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन सहा उन्हें बहुत ट्रबल फेस करने पड़े बट उन्होंने करेज दिखाया एंड मेरी कंट्री को कैसे मिले जैसे हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं ना वैसे ही वो अपने कंट्री के जितने भी करेज और विजडम से भरे जो लोग थे उनके बारे में हमें यहाँ बता रहे हैं वो कहते हैं कि हमें लोगों को ना यानी कि जितने लोगों ने अपारथीट की वजह से जिन्होंने ऑपरेशन सहा हमें काफ़ी साल लग जाएंगे अगर जनरेशन्स नहीं तो हमें साल तो बहुत लगेंगे इस चीज़ से बाहर आने के लिए बट जो ब्रूटेलिटी थी ये जो कुछ भी हमारे साथ हुआ इसने प्रोड्यूस करे द ओलीवर तैम्बोज आप कन्फ्यूज़ मत होना कि ओलीवर तैम्बोज तो नाम है इनका देखो फोटो इनकी गिवन है तो इसके पीछे द क्यों लगाया गया है तो वो कहना चाह रहे हैं कि ओलीवर तैम्बोज़ और इनके जैसे बहुत सारे हीरोज़ हमें मिले इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे जो ब्लैक पीपल थे वो इकट्ठे हुए इस अपार्थी सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए तो वो कह रहे हैं कि ये एक गुड इफेक्ट हमें मिला कि हम सब इकट्ठे हुए और इतने करेजियस इतने जेनरस और इतने विजडम से भरे लोग जो है साउथ अफ्रीका में जो है वो आप एक तरीके से कह सकते हो उन सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी तो वो कहते हैं कि इस ब्रूटिलिटी ने यानी कि अपार्थी सिस्टम की वजह से क्या प्रोड्यूस हुए ओलिवर टेम्बोस जैसे लोग वॉल्टर सीसिली जैसे लोग चीफ लिथलीस जैसे लोग ठीक है तो आप रीड करते रहिए प्रोनासीशन पे ज़्यादा गौर मत कीजिए यूसुफ दादो जैसे लोग ब्रैम फिशर जैसे लोग और रॉबर्ट जैसे लोग जो है मेरी कंट्री में मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज एंड विजडम एंड जनरोसिटी हुए कैसे इस अपारथी सिस्टम की वजह से वो कहते हैं कि मेरी कंट्री जो है ना साउथ अफ्रीका वो बहुत रिच है मिनरल्स में ज़मीन में बहुत सारे मिनरल्स हैं बट मैं कहूँगा कि असली वेल्थ क्या है मेरी कंट्री के ये सभी लोग ये सभी लोग जो हैं इतने करेज इतने जो है आप कह सकते हो जनरस इतने काइंड के जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा लोगों के बारे में सोचा ये लोग हैं प्योर डायमंड मेरी कंट्री के उन मिनरल्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लोग हैं और आगे मूव करते हैं फिफ्थ उन्होंने क्या बात कही अब फिफ्थ वो हमें बताते हैं करेज साहस के बारे में करेज की कुछ डेफिनेशन उन्होंने हमें दी है ऐसा डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफाइन कीजिए नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है तो वो आके बताते हैं कि देखो करेज वो नहीं है कि आपको डर ही नहीं लगता है करेज क्या है वो माउंटेन ड्यू के ऐड वाला है क्या कि डर के आगे जीत है करेज या फिर आप कहो कि साहसी इंसान या फिर बहुत आप कह सकते हो कि जो इंसान में फियर नहीं होता वो ये नहीं होता कि उसे डर ही नहीं लगता है वो इंसान होता है जिसने अपने डर को ओवरकम कर लिया तो आप समझिए ही एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करेज एज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बद द एबिलिटी टू विन ओवर इट करेज मतलब क्या है कि ये नहीं कि आपको डर ही नहीं लग रहा है ये करेज नहीं है आपने अपने डर को ओवरकम कर लिया है डर के आगे जीत है ये है असली करेज ही टॉक्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ दोन एंड वुमेन स्टूड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन वो एकदम से बताते हैं हमारे उन मैन के बारे में उन वुमेन के बारे में जिन्होंने कितना कुछ सहा ऑपरेशन के टाइम पे एंड जो है उन्होंने ट्रेमेंडियस करेज जो है वो शो करा ठीक है तो विद दिस नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या बताया नेक्स्ट उन्होंने हमें नफ़रत के बारे में बताया गाइस उन्होंने कहा कि देखो नफरत जो होती है ना ये हमारे में पैदाइशी नहीं होती है धीरे धीरे हमें ये सिखा दी जाती है वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है उसको कोई डिफरेंस भी नहीं पता होता है क्या ब्लैक क्या वाइट क्या मेल फीमेल कोई डिस्क्रिमिनेशन भी किसी को नहीं पता होता है ये तो धीरे धीरे सोसाइटी में रह के हमें जो है सिखा दिया जाता है तो वो कहते हैं कि अगर नफरत इंसान को सिखाई जा सकती है तो प्यार क्यों नहीं क्योंकि प्यार तो हमारे अंदर ना नेचुरल इंस्टिंग ज्यादा होती है प्यार करना ज्यादा इंसान होता है एक इंसान के लिए तो वो कहते हैं कि जैसे नफ़रत सिखा दी जा सकती है तो हम प्यार करना भी सिखा सकते हैं वो एक हेटरेट पर एग्जाम्पल भी देते हैं अपनी लाइफ में से वो बताते हैं कि जब मैं इतने सालों तक जेल में रहा तीस साल तक जेल में रहते हैं नल्सर मंडेला जी वो कहते हैं जब मैं और मेरे साथी जो थे जब हम पेन नहीं सह पाते थे जब उन्हें मारा जाता था ना और वो पेन नहीं सह पाते थे तो वो कहते थे जो उनमें प्रिजन के गार्ड जो होते थे ना मुझे हमेशा उन प्रिजन गार्ड्स में से किसी एक गार्ड की आंखों में ना थोड़ी सी थी दिख जाती थी थोड़ी सी इंसानियत दिख जाती थी और वो उससे मुझे देख के पता चलता था कि नहीं अभी भी सब कुछ मतलब नफरत नहीं है थोड़ी सी इंसानियत इनमें है और वो मेरे को हेल्प करती थी अपने आप को हिम्मत दे देती थी कि नहीं मुझे स्ट्रगल को कंटिन्यू करना है तो वो कह रहे हैं कि चाहे वो उनको मार रहे थे बट तब भी कोई एक गार्ड जरूर था उनमें से जो हमारे लिए थोड़ा सा परेशान होता था तो आप समझ रहे हो तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंसानियत हमारे दिल में ज़रूर होती है नफ़रत तो बाहर से हमारे मन में डाल दी जाती है तो हमें जो है प्यार सीखना चाहिए हमें कंट्री में और एक दूसरे लोगों से प्यार करना चाहिए तो अभी आपको जब लाइन पढ़ोगे ना इनसे आर्टिक से तो सब समझ में आ जाएगा देखो यहाँ गिवन है इवन इन द ग्रिमियस टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुष्ट टू अर लिमिट्स पुष टू अर लिमिट्स मतलब जब वो पेन नहीं सह पाते थे उन्हें इतना मारा जाता था आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ़ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स उन्हें किसी एक प्रिजन गार्ड की आंखों में थोड़ी सी इंसानियत जरूर दिख जाती थी और वो मेरे लिए काफ़ी थी क्या कि मैं चलता रहूं इस स्ट्रगल में जो है अपना जो मैं ने अपना डिसाइड करा है कि मुझे जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बना है मैं चलता रहूं क्योंकि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये हमारी जीत होगी और आपने देखा भी जीत होती भी है ठीक है अब एट दी एंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एट द एंड नेल्सन मंडेला जी ना हमें अपना लाइफ का कुछ ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट देते है। अपनी हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताते हैं वो बताते हैं हमारे को कि देखो इंसान की ना लाइफ में टू इन ऑब्लिकेशन होते उब्लिकेशन्स हैं। जिनसे मतलब आप मान लो ड्यूटी ठीक है तो वो कहते हैं दो ड्यूटीज होती है कि इंसान की अपने लाइफ में वो क्या है पहली टूवर्ड्स तो फैमिली एंड दूसरी क्या हो गई टुवर्ड्स द कं कंट्री यानी कि पहले क्या हो गई टुवर्ड्स पेरेंट्स टुवर्स वाइफ टूवर्ड्स चिल्ड्रेन एंड दूसरी क्या अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी कंट्री के लिए और लोग जो है काफ़ी सारी कंट्रीज में अपनी दोनों ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा सकते हैं कि वो अपनी कंट्री अपनी कम्युनिटी की तरफ भी लॉयल रहें और अपनी फैमिली के लिए साथ भी अच्छा सा रहें बट लाइक अफ्रीका वन कुड नॉट डू सच अ थिंग बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस बट मेरी कंट्री में ये पॉसिबल नहीं था कि मैं जो है अपनी कंट्री और अपनी जो है फैमिली दोनों की तरफ जो है अपनी ड्यूटीज़ निभा पाऊँ ठीक है क्योंकि अगर कोई इंसान अपने लोगों के बारे में यानी कि अपनी कंट्री के बारे में जो है सोचता था जैसे कि अगर जो ब्लैक पीपल थे जब वो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनते थे और जो है प्रोटेस्ट करते थे तो उनको जो है प्रिजन में डाल दिया जाता था उनसे फैमिली से दूर तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो दोनों ड्यूटीज़ थी ये मैं अपनी कंट्री में फुलफिल नहीं कर पा रहा था तो आगे तो देखो वो क्या कहते हैं कि आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली कि मैंने शुरू से ही पीपल क्या हुआ कंट्री आप मान लीजिए मैंने शुरू से ही खुद से चूज नहीं करा था कि मैं अपनी कंट्री को ऊपर रखूँगा अपनी फैमिली से नहीं बट जब मैंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था जब मैंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा जब मैंने अटैम्प्ट करा कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूँगा तब मुझे समझ में आया कि मैं अब अपनी ऑब्लीगेशन या अपनी ड्यूटी जो एज अ सन है एज अ ब्रदर है एज अ आप कह सकते हो हस्बेंड है वो फुलफिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उन्हें जेल हो गई थी एंड वो भी जेल में थे ठीक है तो ये उन्होंने ट्विन इन ऑब्लीगेशन के बारे में समझाया अब आगे वो ना ये बताते हैं बेसिकली ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे वो कि कैसे वो जो है एक फ्रीडम फाइटर बने और कैसे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में पॉलिटिशियन बने कैसे तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर ये फ्रीडम ऑफ हंगर यानी कि भूख किसकी आजादी की, किस की? की बचपन से ही नहीं थी बचपन में मेरे लिए आजादी का मतलब क्या था कि मैं जो मेरा जो जगह है जहां जिस ट्राइब का मैं हूं मैं वहां पर आराम से घूम रहा हूं ठीक है मेरी मम्मी की जो हट है उसके आसपास में मैं खेल रहा हूं कूद रहा हूँ और मुझे कोई कुछ मनाई नहीं कर रहा है जब तक मेरे फादर के बनाए हुए रूल्स के हिसाब से चल रहा हूँ मेरे लिए फ्रीडम ये था क्या जब मैं छोटा था तो मेरे लिए वो कहते हैं कि शुरू ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर एक भूख थी फ्रीडम की नहीं धीरे धीरे मेरे में हुआ तो देखो यार गिवन है फ्री टू रन इन द फील्ड तो वो सब गिवन है जब आप रीड करते रहोगे तो अब आपको सब समझ में आता रहेगा ओके okay. okay, तो स्टार्टिंग में अपने बचपन में उन्होंने बताया कि उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या था बट वो कहते कि जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा तब मुझे समझ में आया कि मेरी जो एक्चुअल आज़ादी है वो तो मुझसे पहले ही छिन चुकी है ठीक है अब वो आगे बताते हैं कि एट फर्स्ट जब मेरे को मन करा कि मेरे पास फ्रीडम होना चाहिए तो मेरे लिए फ्रीडम का मतलब क्या था कि मैं जो है एक कॉलेज स्टूडेंट था तो मैं रात को जो है आराम से कहीं भी बाहर घूम सकूँ और जो मेरा मन चाहे वो मैं कर सकूँ बट धीरे धीरे जब मैं एक यंग मैन बन गया यानी कि थोड़े और जब वो बड़े हो गए और जब वो जॉनिसबर्ग में रहते थे तब उन्हें समझ में आया कि उनके लिए फ्रीडम मतलब क्या था कि वो ऑनरेबल लाइफ जी पाएं बींग एन अफ्रीकन वो जो है आप अपनी कंट्री में रह रहे हों तो वो एक ऑनरेबल लाइफ जीएं वो अपनी एक जॉब कर पाएँ अच्छे से वो अपनी शादी कर पाएँ और वो एक लॉफुल लाइफ चाहिए यानी कि उनके साथ कोई आके रिस्पेक्टफुली बिहेव करे सब लोग उनके साथ और उनके साथ क्या ना हो डिसरिस्पेक्ट कोई उनकी ना करे धीरे धीरे उनके लिए फ्रीडम मतलब ये हो गया था अब धीरे धीरे देखो उनकी लाइफ में फ्रीडम के मीनिंग चेंज होते रहे बचपन में उनके लिए फ्रीडम मीनिंग क्या था कि मैं आराम से घूम रहा हूँ अपने घर में अपने आस के एरिए में देन जब वो थोड़े और बड़े उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था कि मैं जो है कहीं भी जा सकूँ अपनी मर्जी से चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो फिर जब वो और बड़े होते हैं तो फ्रीडम मतलब क्या था कि मेरी मर्जी हो जिससे मैं उससे शादी कर सकूं मेरे को जो सब लोग ऑनर से ट्रीट करें सब मेरी इज्जत करें और मैं जो जॉब करना चाहूं मैं वो कर सकूं बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री ठीक है तो वो कहते हैं बट धीरे धीरे फिर मेरी आँखें खुलनी शुरू हुई और मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ मेरे पास ही फ्रीडम नहीं है मैं ही सिर्फ बंधा हुआ नहीं हूँ मेरे जितने भाई बहन भी हैं यानी कि जो बाकी पीपल हैं उनके पास भी फ्रीडम नहीं है और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कॉन्ग्रेस जो है वो ज्वाइन करी यानी कि मैंने पार्टी ज्वाइन करी और तब जो है वेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम और तब वो जो मेरी छोटी सी हंगर थी ना फ्रीडम की कि मुझे मेरे हिसाब से आज़ादी से जीना है वो एक इतनी बड़ी फ्रीडम मिल गई कि अब मुझे अपने भाई बहन अपनी कंट्री के लोगों को भी आज़ादी दिलानी है तो इट वॉज द डिज़ायर फॉर द पीपल ऑफ़ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म्ड अफ्राइटेंड यंग मैन इंटू अ बोल्ड वन तो देखो कितनी अच्छी लाइन से उन्होंने समझाया है कि ये मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे स्टेप्स लेने पड़ेंगे सिर्फ अपने फ्रीडम के लिए नहीं अपने कंट्री के हर एक इंसान को फ्रीडम दिलाने के लिए मुझे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इसी ने मुझे मोटिवेट करा कि मैं वो एक फ्राइटेंड एक डरे हुए यंग मैन से क्या बन गया एक बोल्ड मैन बन गया और एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी यानी कि एक लॉ अबाइडिंग लॉयर से मैं एक क्रिमिनल बन गया ठीक है उन्होंने तो क्या बताया और यही जो था कि मुझे सिर्फ अपना फ्रीडम नहीं अपनी पूरी कंट्री को फ्रीडम दिलाना है इसी ने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक ऐसा इंसान बना दिया जिसे एक ऐसी लाइफ जीनी पड़ी लाइक अ मॉन्ग यानी कि जैसे कि आपको पता है कि वो प्रिजन में थे कितने समय तक और वो स्ट्रगल में थे तो वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे तो ये सब उस फ्रीडम ऑफ हंगर का ही यानी कि जो भूख थी उनकी फ्रीडम अचीव करने की उसी का ये सब रिजल्ट था अब आगे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो मैं ज़्यादा वर्चुअस हूँ या मैंने ज़्यादा सेक्रीफाइस करें बाकी लोगों से जो मेरे आसपास में नहीं ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताइए इसको रीड करके एक बार समझते हैं आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइजिंग देन द नेक्स्ट मैन नेक्स्ट मैन मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बाकी लोगों से ज़्यादा सेक्रीफाइजिंग मैंने करे हैं या मैं ज़्यादा वर्चुअस हूँ बट आई साउन दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम दैट आई वॉज अलाउड बट हाँ मुझे ये पता है कि जो मुझे लिमिटेड फ्रीडम मिल रहा था जब मैं लॉयर था जब मुझे जितना भी लिमिटेड फ्रीडम मिलता था वो मैं इंजॉय नहीं कर पाता था ये अपने दिमाग में सोच के कि जो मेरे बाकी भाई बहन हैं उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना तो ये बात उन्होंने हमें समझाई कि क्या कि मैंने किसी से ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करे हैं मैंने भी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा है बट येस yes, मेरे को ये ज़रूर चीज़ पता थी क्या कि जब तक मेरे मन को चैन नहीं था जब तक मेरे किसी एक जो भाई बहन थे मेरे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो अब आगे देखिए फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम तो क्या कहने है? अगर एक इंसान पे भी चेन है चेंज मतलब क्या हुआ अगर एक इंसान के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मतलब सभी के साथ हो रहा है द चेंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन मी और सभी लोगों के ऊपर चेंज है यानी कि अगर सभी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मतलब मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एंड आई न्यू देशर मज़ बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओपरेस्ट और वो एंड में क्या कहते हैं कि जो ऑप्रेसर है ना वो भी बंधा हुआ है वो भी परेशान है जैसे कि ऑप्रेस्ड अब तो मैं ये बात समझ में अभी नहीं आई होगी कि ऑप्रेसर कौन हुआ जो अत्याचार कर रहा है जैसे जब ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल कर रहे थे वो ऑप्रेसर थे उन्होंने हमारे पे कितने अत्याचार करे एंड हम ऑप्रेस थे अब ऐसे ही अफ्रीका में जो थे जो वाइट पीपल थे वो ऑप्रेस कर रहे थे जो थे रेसियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे तो वो उनको ऑप्रेसर कह रहे हैं तो वो कहते हैं कि जो ऑप्रेसर होता है ना वो भी खुश नहीं होता है तो एट दी एंड कहते हैं कि जो ऑपरेसर होता है ना वो भी फ्री नहीं होता है क्योंकि जो ऑपरेसर है जो अत्याचारी है उसके मन में क्या होती है नफ़रत होती है और जिस इंसान के मन में नफ़रत भरी होती है वो कभी भी फ्री नहीं होता है। वो क्या कह तो... रहे हैं यहाँ पे कि जो अत्याचारी है जो ऑप्रेसर है जो अप्रेस कर रहा है वो इंसान भी खुश नहीं रह सकता है क्योंकि उनके मन में नफ़रत भरी होगी नैरो माइंडेड होंगे वो तो वो तो खुश है ही नहीं और साथ ही के साथ जो है वो भी बंधे हुए है, हैं और साथी के साथ जो ऑपरेस्ड हैं यानी कि जिन पर अत्याचार हो रहे हैं वो तो है ही परेशान क्योंकि उनको तो इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन जो था वो झेलना पड़ रहा था तो बेसिकली ये जो कुछ भी हो रहा था उसका एंड होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऐसे सिस्टम में जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ तो ना ही ऑपरेसर खुश रह पाता है ना ही ऑपरेसर सही से जी पाता है और ऑपरेस तो बिल्कुल भी नहीं तो ऐट दी एंड उन्होंने ऑपरेसर के बारे में भी हमें समझाया तो विद दिस ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका गाइस कंप्लीट हो गया एक बार शॉर्ट में आपको ना रिवाइज़ करा देती हूँ क्या क्या पढ़ा तो स्टार्टिंग में तो हमने पड़ा नेल्सन मंडेला जी के बारे में अपार्थी सिस्टम के बारे में हमने समझा फिर उनकी जब सेरेमनी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वो पूरे कंट्री के लोगों का जो कुछ भी बाहर से कंट्री से लीडर्स आते हैं उनको थैंक यू करते हैं ठीक है देन उन्होंने मिलिट्री के जितने भी प्रदर्शन हुए उनके बारे में हमें बताया जो उन्होंने सोचा बड़े बड़े लीडर्स को देखे जब वह सल्यूट करे थे उसके बारे में बताया उसके बाद क्या हुआ किसी को याद है आई होप आप सबको याद होगा उसके बाद उन्होंने वो जो इम्पाला जेट्स की फॉर्मेशन थी कलरफुल उनके फ्लैग की वो समझाई फिर उन्होंने नेशनल एंथम्स के बारे में हमें बताया फिर उन्होंने हमें समझाया अपनी हिस्ट्री के बारे में या अपार्थी सिस्टम की हिस्ट्री बताई जो इतने करेजियस मैन जो वहां पर जन्म लिए बिकॉज ऑफ दिस अपार्थित सिस्टम उनके बारे में बताया रियल मीनिंग ऑफ करेज बताया कि असली करेज का मतलब क्या है डर के आगे जीत ठीक है यानी कि आपने डर को ओवरकम कर लिया है उसके बारे में उन्होंने हमें नफरत के बारे में भी समझाया कि इंसानियत हमेशा हमारे दिल में जरूर रहती है एंड एट दी एंड उन्होंने अपनी लाइफ का एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट दिया जो भी मैंने आपको यहाँ समझाया कि उन्होंने हमें बताया कि मेरे में बचपन से ही ये नहीं था कि मैं फ्रीडम फाइटर बनूंगा और मुझे आज़ादी चाहिए धीरे धीरे मुझे असली आज़ादी का मतलब समझ में आया और मेरे लिए क्या था कि अगर मेरी सोसाइटी का मेरी कंट्री का एक इंसान भी अगर आज़ाद नहीं है तो मतलब मैं आज़ाद नहीं हूँ एंड इसलिए उन्होंने फाइट करा एंड फाइनली वो सब जीत जाते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने ओप्रेसर का स्टेट ऑफ माइंड हमें समझाया कि जो ऑपरेसर है जो अत्याचार कर रहा है वो भी कभी खुश नहीं रह सकता है क्योंकि वो भी नफ़रत से बंधे हुए हैं तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो विद दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो comment, comment में मैंने नोट्स दिए एक बार उससे रिवाइज कर लेना इंटाग्राम आईडी का लिंक दिया जहां पर आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड बैक क्वेश्चन आंसर एंड समरी ऑफ दिस चैप्टर और ऐसे ही मैंने बहुत डिटेल में आपके बाकी सभी चैप्टर्स को भी पढ़ा दिया है तो जाके आप क्लास टेन इंग्लिश की प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है तो विद दिस विदिसन बस लग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो